अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के दोस्तों दोपहर की वीडियो जो मैं डालता हूँ उसमें आपके कमेंट का कुछ सवाल होता है, कुछ आपका मैं उसका मैं जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ भाइयों को मैंने कमेंट को उठाया है और उसके टॉपिक पे बात करूंगा, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यदि आप कुवैत जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, तो आपके लिए ये सब बातों को जानना काफी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले एक भाई का सवाल है जिनका नाम है फहीम अहमद। उन भाई का पूछना है 60 साल के लोगों के बारे में कुछ बताओ, उनका क्या होगा। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि जिनके 60 साल उम्र या 60 साल से ज्यादा हो चुका है तो उनको कुवैत से निकालने की बातें चल रही थी, उनका वीजा को कैंसिल किया जाएगा, उनको इकामा को अब रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। पर बहुत सारे दोस्तों मीटिंग के दौरान, कैबिनेट मीटिंग के दौरान दोस्तों ये फैसला लिया गया है कि वहां पे लोगों को वहां पे रुकने की अनुमति, 60 साल जिनको उम्र हो चुका है उन लोगों को नहीं भगाया जाएगा और 500 कुवैती, लगभग कुवैती दिनार का एक साल में लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा और बहुत ही जल्दी उनका इकामा को जो रिन्यूअल करने की बात चल रही है, ये मैंने आपको बात पहले बता दिया था। तो बहुत ही जल्दी आप लोग का जो इकामा है वो रिन्यूअल होने वाला है। अगला दोस्तों, एक भाई का सवाल है जिनका नाम है हफीज रहमान। उनका पूछना है 18 नंबर वीजा स्टार्ट कब होगा। तो भाई, बताना चाहूंगा आपकी वीजा के बारे में अभी कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। आप सबसे पहली बात, कौन सी वीजा के बारे में आप बात कर रहे हो, और 18 नंबर वीजा जो है अभी उस पर कोई कंफर्मेशन कोई अभी नहीं आया हुआ है, सिर्फ कुछ देशों के लिए आया और कुछ कंपनियों द्वारा आया है। तो यदि कोई कंफर्म अपडेट आएगा तो मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। एक भाई का सवाल है, उनका पूछना है राम सिंह राठौड़। उनका पूछना, भाई मेरा एज 30 से कम है और ECR पासपोर्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। भाई, यदि आप इंडिया से हो तो आपको बता दूं, यदि आप डोमेस्टिक लेबर में जाना चाहते हो, यदि घरेलू काम करने वाले में, तो यदि आपका 30 से कम उम्र है तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि नया कानून अभी पास हुआ है कि 30 साल जिनको उम्र 30 साल और 55 साल के भीतर है उन्हीं को आने की अनुमति होगी, बाकी दूसरे को अनुमति नहीं होगी। बाकी और कोई वीजा में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, ये सब में अप्लाई कर सकते हो, पर डोमेस्टिक वर्कर वाले वीजा जो होते हैं उसमें अप्लाई आप नहीं कर सकते, 2 साल बाद आप कर पाओगे। एक बार भाई का पूछना है जिनका नाम इंद्रजीत राव, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर लिमिट ऑफ कुवैत होटल्स। तो दोस्तों, इस पे जो मिनिमम जो एज होता है वैसे तो 18 साल वाले हैं, पर 20 साल यदि उम्र आपका हो चुका है तो सबसे बेस्ट है, 20 साल के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको उम्र 20 साल या 20 साल से ज्यादा हो चुका है तो आप किसी भी कुवैत के होटल पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला एक भाई का सवाल है जिनका नाम अनुज पाल, दोनों साइड का टिकट मिलेगा कि नहीं। तो भाई, बताना चाहूंगा आपको कि टिकट जो है अभी दोनों साइड का मिल जाएगा, कुवैत से यदि इंडिया आना चाहते हो तो भी टिकट आपको मिल जाएगा, और कुवैत से इंडिया, यदि इंडिया से कुवैत जाना चाहते हो तो भी आपको टिकट का मिल जाएगा, क्योंकि आज है 24 तारीख, 24 तारीख से फुल कैपेसिटी के साथ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन किया जा चुका है, जिसमें सभी फ्लाइटों को चालू कर दी गई है, बहुत सारे पाबंदियां को हटा लिया गया है। अगला एक भाई का सवाल है जिनका पूछना है अवधेश कुमार। उनका पूछना, भाई कुवैत में CCC कंपनी कैसी है। तो भाई, पूरा उसका नाम बताइए तब मैं आपको बताऊंगा, सीसी कंपनी में बहुत से होते हैं, कंपनी का नाम पूरा बताइए। अगला एक भाई का सवाल, इनका नाम है दया सिंह। उनका पूछना है, सर मेरा 10 दिन मैकेनिस क्वारंटाइन बुक किया था, मैं फुल वैक्सीनेट भी लगा चुका हूं, अभी मैं 2 दिन क्वार्टर होगा। तो जी हाँ साथियों, यदि आपने 10 दिन का होटल क्वारंटीन या मैकेनिस क्वारंटीन यदि आपने बुक कर रखा है, यदि आपने फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब वहां पे जाओगे तो 2 ही दिन क्वारंटीन आपको रहना पड़ेगा, यदि आपका पॉजिटिव केस आता है तो 10 दिन किया जाएगा, नहीं तो 2 ही दिन में आपको छोड़ दिया जाएगा, और 10 दिन का पैसा जो आपने पेमेंट किया था वो आपके 2 दिन का काट के यानी 8 दिन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यदि आपको कोई भी और सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, आप लोग का जो सवाल रहेगा मैं उस सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी, कुछ आपको जवाब था मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, लव यू एंड टेक केयर।